तो मुझे रामलला का दर्शन करना था। एक बार तो वापस आ चुके थे, पर इस बार चाहे कुछ भी हो जाए रामलला का दर्शन करके ही वापस आना है। तो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, यहाँ पे वेट करते हैं ट्रेन का। पर प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन आने में अभी 3 से 4 घंटे है, तब तक में बैठ के झक मारते हैं। हाँ तो मेरा गाड़ी आ चुका है, मैं अपने सीट पे बैठ चुका हूँ। तुम आसपास देख सकते हो खाली है, कोई नहीं है। धीरे धीरे सुबह हो जाता है। तो 10 मिनट बाद मैं अयोध्या धाम जंक्शन पहुंच जाऊंगा। मैंने ट्रेन में ड्रेस को चेंज कर लिया। मैंने मुजफ्फरपुर 8 बजे रात में चला था और अभी 12 बजने को है, पता नहीं कब पहुंचूंगा। तो फाइनली हम अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब दो भाई जी मिले हैं, ये दोनों मीडिया से हैं। तो हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं राम मंदिर। तो बैकग्राउंड में अयोध्या जंक्शन देख सकते हो, कितना नेक्स्ट लेवल का है। रास्ते सीधे राम मंदिर को जाते हैं और तुम भीड़ देख सकते हो बैकग्राउंड में। चारों तरफ की सिक्योरिटी को देख सकते हो, इट्स ऑसम। और ये योगी जी का देन है, मतलब इतने ज़्यादा सुरक्षा है यहाँ पे, वो नेक्स्ट लेवल का है। और हम लोग आगे चलते हैं और लोकल में ये सामान रखना है, लॉकर, लोकल, लोकल। इधर का सिस्टम देखो गाइस, रामचंद्र की। गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और खुशी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। फाइनली राम मंदिर को देखने वाले हैं, राम लला का दर्शन करने वाले हैं। तो ये हमारा है अयोध्या का सेकेंड ट्रिप, जहां मैं फिर से, आज 24 तारीख है और मैं 22 को यहां से वापस गया था, सॉरी 20 तारीख को हम यहां से वापस गए हुए थे। आज फाइनली सभी आम पब्लिक को मौका मिल रहे हैं। हेलो सर, हमको दिखा सकते हैं आस पास। तो मेरे को ना सुबह से भूख लगा है, पर हम खाए हुए नहीं थे, चूँकि हमको लगा पहले रामलला से दर्शन करेंगे फिर खाना खाएंगे। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कैमरा लेके जाना बंद है, तो मैं कैमरा को जमा कर दे रहे हैं। फ़ोन वोन कुछ अलाउ नहीं है, और इनका एक रीज़न है कि ये भीड़ वीड़ के कारण कल रात में कैमरा सब बैन कर दिया गया। तो इनसे कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, तो फाइनली मैं जा रहा हूँ रामलला से दर्शन करने के लिए। रामलला का दर्शन आज पूर्णता हुआ और ये जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था, बहुत 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 ज़्यादा था। पर मंदिर के अंदर ना इतना ज़्यादा भीड़ है कि मंदिर के अंदर तुम्हें 2 सेकंड भी रुकने नहीं देगा। तुम ये चाहोगे कि दो सेकंड रुक के रामलला को देखे, बट ये संभव नहीं है। तुम ना बैकग्राउंड में भीड़ देख सकते हो, इधर का भीड़ देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा दुनिया भर का इंसान इसी जगह है। मतलब भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और आज है 2nd दिन जब मंदिर खुल चुका है, दैन आम पब्लिक के लिए था। और आम पब्लिक पता नहीं इतने कहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ इंक्वायरी करने के लिए, होगा तो किसी से पूछताछ करेंगे। और 5 बजे हम लोग का ट्रेन है, उन्हें पकड़ के वापस मुजफ्फरपुर। वेल बने रहो तुम, और देखो भीड़ दिखा दे। तो अंदर में ना बहुत कोई जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। आज मैं राम के विषय में कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ कुछ लोगों से। हालांकि होते हैं कुछ दिखावे के भक्त होते हैं, कुछ रियल में भक्त होते हैं। जैसे कि तुम देखोगे राम मंदिर के अंदर ना कल भर कैमरा अलाउ था, लेकिन आज नहीं है, इसका क्या मतलब है? और बहुत लोग इनसे नाराज इस कारण है, भाई मेरे को राम मंदिर के साथ फ़ोटो खिंचाने आए थे, वो दर्शन करने नहीं आया था। खैर मैं मेरे को बिलीव था, मेरे को बस दर्शन करना था, मैंने किया और पिक्चर भी खिंचाया, वो अलग बात है। मैं ना कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो गाइस पहले एक सर जी मिले हैं, जो माथे पे देख सकते हो जय श्री राम लिखल है और हाथ में भगवद गीता है, और ये बेच रहे हैं। कितना है, कैसे? हम इसको बेच नहीं, हम इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं इसका। जी बिल्कुल। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जय श्री राम, राम जी का पूरा नाम क्या था? राम जी का पूरा नाम है श्री रामचंद्र जी, दशरथ नंदन राम, इस तरह उनके कई नाम हैं। तो जैसे ही उन्होंने लीलाएं, एक प्रॉपर नाम है ना जय श्री राम, राम जी का। तो राम जी का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब समझते हैं? हाँ बिल्कुल, उसका मतलब है कि भगवान ने अपने इस अवतार में एक मनुष्य की तरह जीवन जिया है। भगवान इस जब रूप में, राम के रूप में आए,
उन्होंने वही सब कुछ किया जो एक मनुष्य, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम को फॉलो किया। लेकिन मैं उनका नाम पूछ रहा हूँ। उनका नाम यही भैया दशरथ नंदन राम। ये राम का पूरा नाम क्या है? जय श्री राम सभी को। भगवान श्री राम का है, भगवान श्री राम का पूरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप खुद बताएं। तो भगवान श्री राम का पूरा नाम जानते हो तो फट से कमेंट कर दो। तो सामने मंदिर उद्घाटन की खुशी में भंडारा हो रहा था, तो भला इनको क्यों छोड़े। श्री राम का मंदिर सामने है और उसी के आगे है ये बिरला मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम निकल चुके हैं मुजफ्फरपुर के लिए। 8 बजे हम रूम पे पहुंच जाते हैं और अब तो तैयार भी हो चुके हैं और जा रहे हैं कॉलेज। तो आज का व्लॉग बस बंद करते हैं। तो मिलते हैं कहीं और कभी और। जय सियाराम।